हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम तौकीर अहमद। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाइम्स कैरियर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैथमेटिक्स का अलजेब्रा के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे और ट्राइगोनोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक फॉर्मूला है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ट्राइगोनोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। अगर हम ट्राइगोनोमेट्री को या फिर त्रिकोणमिति को अगर तोड़े तो इसमें तीन वर्ड आते हैं, ट्राइगोनो और मेट्री। ट्राई का मतलब होता है थ्री, तीन होता है। गोनो का मतलब होता है एंगल या साइड्स, जिसे हम लोग हिंदी में कोण या भुजा कहते हैं, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मापन। यानी किसी त्रिभुज के तीन कोनों का या तीन भुजाओं का मापन करना ही क्या कहलाता है, ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का या तीनों भुजाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे कि द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, एक शॉर्ट डिफिनेशन दिए हैं कि किसी त्रिभुज के एंगल्स एंड साइड्स, कोनों और भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। अब है कि ट्राइगोनोमेट्री जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। कौन सा त्रिभुज पर आधारित होता है, समकोण त्रिभुज पर। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग स्टार पॉइंट में लिखेंगे कि ट्राइगोनोमेट्री इज बेस्ड वन राइट ट्राइंगल। इसे राइट ट्राइंगल पढ़ा जाता है, समकोण त्रिभुज पढ़ा जाता है। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में कि मान लो ये आधार है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, हमारा कर्ण है। ठीक है, इस बिंदु को हम लोग ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, और इसे सी मान लेते हैं। तो ये कोण जो है वो 90 डिग्री है। ये कोण क्या है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसे हाइपोटेनस, हिंदी में कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्ण। अब है कि किसी भी राइट ट्राइंगल का जब तक थीटा डिसाइड नहीं होगा तब तक आप लंब और आधार को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको अगर आप थीटा मानते हैं, इस एंगल को अगर थीटा मानते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। किंतु अगर आप इसको थीटा मानते हैं तो ये फिर आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है एबीसी एक राइट ट्राइंगल है, और ट्राइगोनोमेट्री मेनली बेस्ड वन राइट ट्राइंगल। ये जो एंगल है वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक बात को जानेंगे कि ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं वो आपके ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, पहला जो होता है वो साइन थीटा होता है, और साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं पी बटे एच, पी फोर परपेंडिकुलर और एच फोर हाइपोटेनस, जिसे हम लोग हिंदी में लंब बटे कर्ण बोल सकते हैं, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना है कि पी को परपेंडिकुलर लंब को कहा जाता है, और एच हाइपोटेनस कर्ण को कहा जाता है। इसी का अगर हम उल्टा बात करें तो कॉसेक थीटा, तो एच ऊपर चला जाएगा और पी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर बी बटे क्या होता है, एच, बी फॉर बेस जिसको आधार कहा जाता है, और एच फॉर हाइपोटेनस जिसको कर्ण कहा जाता है, यानी आधार बटे कर्ण। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर एच बटे क्या हो जाएगा, बी। इसी प्रकार अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे बी हो जाएगा, और टेन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर बी बटे क्या हो जाएगा,
पी हो जाएगा। तो ये सब बेसिक फार्मूला है, आप ट्रिपल स्टार दे के टी रेशियो लिख के ये 6 फार्मूला को आप लिख सकते हैं, ये काफ़ी आपको आगे चलकर काम देगा, ठीक है। अब हाइपोटेनस समकोण त्रिभुज में एक और होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, अगर हम पाइथागोरस, तो आप लोग पढ़े होंगे 10th में पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये वाला फार्मूला, ठीक है। अब आइए एक सवाल उठाते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टेन थीटा बराबर फोर बटे थ्री देन फाइंड द अदर टी रेशियोज। आपको टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3 और कह रहा है कि अदर अन्य जो ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हैं या रेशियोज हैं उसका मान निकालो। तो उसका मतलब क्या, आपको सिर्फ टेन का मान दिया हुआ है और बाकी आपको 5 निकालने के लिए कहता है। तो याद रखना है कि टेन अगर मालूम है तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, वो तो मालूम हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा कॉट का मान, ठीक है। अब हमें साइन और कॉस निकालना, साइन कॉस जैसे निकलेगा बाकी बाद ये भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि टेन थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है और टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी होता है। यहाँ जो 4 है वो पी का मान है और 3 जो है वो बी का मान है। तो आपको एच का मान निकालना है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर स्क्वायर उधर लेके जाए तो एच बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि h बराबर रूट अंडर p, तो p का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो है b, तो b का मान 3 दिया हुआ है, तो 3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो अगर यहाँ पर हम कहें कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 और 25 डेट मीन्स 5 हो जाएगा, यानी h का मान आपका कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो जब 5 निकल गया तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर पी बटे क्या होता है, एच। अगर पी की बात करें तो पी का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ, 4, और एच का मान 5 निकला है। साइन का ही उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर 5/ क्या हो जाएगा, 4, एंड पलट जाएगा मान। इसी प्रकार अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो बी बटे क्या होता है, एच। बी के मान यहाँ पर कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, तो 3/ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा बराबर 5/3 हो जाएगा। टेन का मान दिया हुआ है कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा, यहीं से पलट जाएगा मान, 4/3 है, तो 3/ क्या हो जाएगा, 4, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस तरह का कोई भी सवाल देगा आपको एक ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन देगा और बाकी आप जो है कैलकुलेशन करके जो प्रोसेस से हम बनाए इस फार्मूला के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो है हम लोग ट्राइगोनोमेट्री का कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूली, ठीक है। पहला फार्मूला का बात करेंगे हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। वहीं दूसरा फार्मूला की अगर हम बात करें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर हम तीसरी फार्मूला की बात करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर हम चौथा फार्मूला का बात करें कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम लोग साइन थीटा बराबर 1/ कॉसेक लिख सकते हैं या कॉसेक बराबर 1/ साइन थीटा भी लिख सकते हैं, जरूरी पड़ने पर ऐसा लिखेंगे। अगला होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि कॉस का ही उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। अगर 6 नंबर फार्मूला की हम बात करें तो वो होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है।
अगला फॉर्मूला की बात करें 7 नंबर कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है। इस तरह का फॉर्मूला भी आगे चलकर यूज होगा। तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। डेट मीन्स ए का वैल्यू और बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है और उन वैल्यू को हम पुट अप करके यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आठवां फार्मूला की अगर हम बात करें कि साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता, तो सेम ही होगा, खाली प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कहेंगे साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन बी होगा। 9 नंबर फार्मूला की हम बात करें कि कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो इसका फार्मूला होगा कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और 10वां फार्मूला की अगर हम बात करें कॉस ए माइनस बी, तो माइनस जो है वो आपको प्लस देगा, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन बी। इसी प्रकार अगर हम आगे की ओर बढ़े 11वां फार्मूला देखें तो वो 10 से रिलेटेड है। 10a प्लस बी बराबर फार्मूला हो जाएगा 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है। अगर यहीं प्लस की जगह हम माइनस की बात करें कि 10a माइनस बी, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 10a माइनस 10b और 1, और यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस 10a इंटू क्या हो जाएगा, 10b हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 10 के जगह कॉट का वैल्यू निकालें तो वो भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, जहां पर ऊपर वाला वैल्यू नीचे आ जाएगा और नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इसी का रिसिप्रोकल होता है। ठीक है, कॉट। 13वां नंबर फार्मूला की बात करें हम, तो वो है 1 प्लस कॉस 2a। ध्यान दो, सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ये सब फार्मूला काफ़ी ज़रूरी पड़ेंगे आगे चलकर फिजिक्स में, कि 1 प्लस कॉस 2a बराबर क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है 2 cos² a होता है। वहीं अगर हम 14 नंबर की बात करें 1 माइनस कॉस 2a, तो जब माइनस होगा तो कॉस की जगह साइन हो जाएगा, 2 sin² a हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी 13 नंबर और 14 नंबर जो फार्मूला है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार आप लोग सभी फार्मूला को नोट कर लीजिए, ताकि जो हम नंबरिकल बनाएं या फिर थ्योरी एनालिसिस करें तो जो फार्मूला यूज होगा वहां पर हम उसको पुट अप कर सकें। ठीक है, उसका वैल्यू हम रख सकें फार्मूला में। एक बार मैं रिवाइजिंग कर देता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार साइन ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर साइन ए माइनस बी का अगर हम बात करें तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी प्रकार 9वां फार्मूला कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। 10वां फार्मूला की बात करें कॉस ए माइनस बी बराबर, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। 11वां फार्मूला की बात करें 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b। अगर हम 12वां फार्मूला की बात करें तो 10a माइनस बी बराबर हो जाएगा 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। अगर 13वां नंबर फार्मूला की हम बात करें 1 प्लस cos 2a बराबर, तो 2 cos² a हो जाएगा। और 14 नंबर फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस cos 2a बराबर 2 sin² a हो जाएगा। ठीक है, तो यह था बेसिक फार्मूला। इसके अलावा कई और फार्मूला है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक का जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो है एंगल्स, यानी ट्राइगोनोमेट्री रेशियो में जो एंगल्स प्रयोग होता है उसका मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 10 तक आप जो है 0 से 90 डिग्री का प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन खास करके 11 और 12 में आपको 0 से लेके 180 डिग्री का वैल्यू का मान बार बार जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा ट्रिक दूंगा आपको कि आप जो है बिना रटे आप उसको याद रख सकते हैं मान को। ठीक है, तो पहली बात यह है कि हम 0 से 90 डिग्री जानते हैं और इधर का वैल्यू को हम नहीं जानते हैं।
जैसे साइन जीरो डिग्री का अगर हम बात करें तो साइन जीरो डिग्री बराबर क्या होता है वैल्यू, जीरो होता है। अगर साइन 30 डिग्री के हम मान की बात करें तो क्या होता है, 1/2 होता है। उसी प्रकार साइन 45 की अगर हम बात करें तो क्या होता है, 1/√2 होता है। अगर साइन 60 डिग्री की बात करें तो क्या होता है, √3/2 होता है। और साइन अगर 90 डिग्री की बात करें तो क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अगर हम 120 साइन 120 डिग्री की बात करें तो शायद बहुत सारे लोगों को याद नहीं होंगे कि सर साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, क्योंकि साइन 120 जो है 90 डिग्री के बाद जो है 90 से 180 वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट का जो है खास करके मैट्रिक तक उसका प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में सेकेंड क्वाड्रेंट का काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं कुछ आपको ट्रिक दे रहा हूँ, जैसे कि जीरो से लेकर आप 90 डिग्री आते हैं, उसके बाद आपको मान को इधर से फिर से पलट देना है। जैसे 90 डिग्री को आपको बॉर्डर मानना है और फिर जो इसका पीछे वाला मान है उसको आगे लिखते जाना है। जैसे 90 के बाद पहले क्या है 60 डिग्री, तो 90 के बाद क्या है 120 डिग्री, तो 60 का मान √3/2 है, तो 120 का भी मान क्या होगा, √3/2 होगा। अगर इससे दो वैल्यू पहले क्या हो जाएगा, 45 का मान अगर 1/√2 है तो 135 का मान क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका तीन वैल्यू पहले यानी 60 45 से पहले 30 डिग्री का मान 1/2 है तो 150 का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और अगर साइन जीरो का मान जीरो है तो साइन 180 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा और वैल्यू भी देख के आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से 90 डिग्री के बाद वैल्यू जो है रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब कि जो 90 के आगे है वही 90 के बाद भी पुटअप होने लगता है। ठीक है, उसी प्रकार कॉस जीरो की अगर हम बात करें तो कॉस जीरो का मान क्या होता है, 1, और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। और कॉस 45 का मान जो है वो क्या होता है, 1/√2 होता है। और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। और कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो होता है। अब आपको ये जो वैल्यू है वो रिवर्स कर देना है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस और टेन नेगेटिव होता है, ओनली साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू बैठेगा कॉस का इधर वो नेगेटिव यानी ऋणात्मक बैठेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जीरो यानी 90 से पहले देख लीजिए मान क्या है, 1/2, कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो 120 का मान क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार 135 का मान कितना हो जाएगा, -1/√2 हो जाएगा। उसी प्रकार इससे जो पहले मान है √3/2 है, तो 150 का मान क्या हो जाएगा, -√3/2 हो जाएगा। और कॉस जीरो डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 का मान -1 हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे मान इधर ये होता है वैसे वैसे मान इधर भी क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है, रिवर्स होते जाता है। जैसे 1/2 है यहाँ भी 1/2 है, यहाँ 1/√2 है तो यहाँ भी 1/√2 है, लेकिन नेगेटिव होता है। वही कंसेप्ट जो है 10 के साथ भी लागू होता है कि 10 जीरो बराबर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो मान होता है वो क्या होता है, 10 30 डिग्री का 1/√3 होता है। इसका मान क्या होता है, 1 होता है 10 45 का मान, और 10 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। और इसका मान जो है इन्फिनाइट होता है, 10 90 का मान। अब 10 का मान भी नेगेटिव में आएगा, जैसे कि इधर से आप यहाँ से ले लीजिए बॉर्डर, जैसे जैसे मान वो रिवर्स होते जाएगा तो इसका मान 120 का मान हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। फिर 1 है तो इसका मान -1 हो जाएगा, यहाँ 1/√3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और 10 180 का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो जीरो का आगे माइनस लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आई होप कि ये आपको टेबल याद हो गया होगा। आपको सिर्फ जीरो और 90 जो याद किया हुआ है आपको वैल्यू, बस वहीं तक याद रखना है। उसके बाद 120 135 150 और 180, ठीक है, ये आपको जीरो से लेकर 180 तक वैल्यू हर हाल में याद रहना चाहिए। ये साइन कॉस और टेन याद रहना चाहिए, बाकी कॉस कॉसेक सेक और कॉट जो होता है ये तीनों का क्या होता है, ऑपोजिट होता है। आई होप कि स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हम लोग कुछ पीछे फार्मूला का प्रयोग किए थे, उसमें से हम एक दो सवाल लेके आप लोग को दिखाते हैं। जैसे अभी अभी हम प्रयोग किए थे कि साइन ए प्लस बी, अगर हम यहाँ पर कहें कि साइन यहाँ पर हम 135 डिग्री लेंगे, क्या लेंगे, 135 डिग्री, तो साइन 135 को हम लोग लिख सकते हैं 90 + 45 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 90 + 45, तो 135 हो जाएगा। इसी प्रकार साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए, ए का मान क्या है 90 डिग्री, इंटू कॉस बी, कॉस बी का मान क्या है 45 डिग्री, प्लस कॉस ए, कॉस ए का मान क्या है 90 डिग्री, और साइन ए, साइन ए
कॉस ए का मान 90 डिग्री और साइन बी का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी साइन ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला पढ़ाए थे उसके आधार पर हम बैठा दिए। तो साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, और कॉस 45 का मान 1 बटे क्या होता है रूट 2 होता है, प्लस कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है, और साइन 45 का मान 1 बटे रूट 2। तो 0 को 1 बटे रूट 2 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और 1 बटे रूट 2 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 1 बटे रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाला जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टन ए, उससे भी हम लोग सेम क्वाड्रेंट का वैल्यू सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। जरा आप गौर करके देखिए कि साइन 135 डिग्री का मान क्या है 1 बटे रूट 2 है, और यहाँ भी हम लोग कैलकुलेशन करके साइन 135 का हम लोग साइन 90 प्लस ए, यानी एक फार्मूला हम पढ़ाए थे आपको साइन ए प्लस बी पढ़ाए थे, इस फार्मूला से भी हम मान निकाल लिए। ठीक है, दोनों सेम वैल्यू निकल गया। तो अब साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला से साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी से भी आप निकाल सकते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आ गया होगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।